गुड मॉर्निंग एवरीवन, नाउ वी आर वेलकम बैक अगेन। और हम लोग लास्ट क्लास में न्यूट्रिशन चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और हम लोगों ने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट करके हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एंट्री कर लिया था। हम लोग ने एंट्री मार दी थी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग लास्ट क्लास में यह भी डिस्कशन कर चुके थे कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म कर लेते हैं और साथ ही साथ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म कर लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में यूनिसेलुलर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा एंड पैरामीशियम के बारे में अच्छी तरह से डिस्कशन कर लिया था। बहुत सारे लोग का डाउट भी था, होप सो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग उन लोगों का डाउट क्लियर कर चुके होंगे। अब हम लोग चलते हैं आज जो सबसे इंटरेस्टिंग है आज का वीडियो, सारे वीडियो से, जी हाँ सारे वीडियो से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों सर, ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेशन के बारे में। हम लोग अपने बारे में सेल्फिश, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बोला था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेल्फिश बनेंगे और आज वो दिन है सेल्फिश बनने का। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ह्यूमन न्यूट्रिशन या फिर कह सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और ह्यूमन कैसे ये डाइजेशन प्रोसेस पूरे न्यूट्रिशन प्रोसेस को परफॉर्म करता है, धीरे धीरे लेकर के चलेंगे। और एक बात आपको पहले भी बता दें जो बहुत सारे लोगों के बीच में ये कंफ्यूजन है पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले ही, हम आपको डिस्क्लेमर दे दें मेरे सारे वीडियोस के लिए कि बेसिकली हम लोग थोड़े सेल्फिश तो हैं, ह्यूमन बीइंग एज अ सेल्फिश लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जनरली पढ़ाई में भी हम लोग थोड़ा सेल्फिशनेस दिखाते हैं। जब ह्यूमन बीइंग के बारे में बात आएगी तो हम लोग थोड़े डिटेल में इंटरेस्ट लेकर के पढ़ेंगे, लेकिन थोड़े से जब प्लांट्स के बारे में बात आएगा, जब दूसरे ऑर्गेनिज्म के बारे में जब बात आएंगे या आएगा तो फिर हम लोग 10th लेवल पर ही जानेंगे। बस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन बीइंग के बारे में इसलिए हम लोग थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाएंगे क्योंकि हम लोग अपने बारे में जानने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, शो करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज ये ह्यूमन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ये मैंने डिस्क्लेमर ऐसा इसलिए भी दिया क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे एक्स स्टूडेंट जो अब थोड़े सीनियर क्लासेस में पहुंच गए हैं या फिर थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं 11th 12th या फिर मेडिकल जो पढ़ रहे हैं उनके लिए हम आपको बता दें, ये जितने भी अभी वीडियोस जो हम बना रहे हैं ब्रैकेट में या फिर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, दिस इज ओनली फॉर क्लास 10। और बता दें एक बात आपको, 10th में भी बहुत सारे बच्चे उम्मीद करते हैं एनटीएससी के लिए, बहुत सारे अदर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कोशिश करते हैं, तो प्लीज आपको ये हम बता दें ये अदर एग्जाम्स के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन सारे हमारे सीबीएसई स्कूल्स बंद हो चुके हैं, बस उनके पढ़ाई को कोप अप करने के लिए, उनके पढ़ाई को मेंटेन करने के लिए हमने ये ऑनलाइन स्टडी ऑन किया है, चालू किया है ताकि इंटरेस्ट बना रहे, लॉकडाउन में ऐसा नहीं फील होना चाहिए। बहुत सारे लोग डिप्रेस फील हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर रहे हैं, बस उनसे बचने के लिए, ताकि हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहे, कॉन्फिडेंस पढ़ाई के लिए रहे, बस इसलिए हमने ये ऑनलाइन स्टडी किया। बस ये हमारा जितना भी कंसेप्ट रहता है ये एनसीईआरटी बेसिस पे रहता है। प्लीज ऐसे जज ना करें कि सर आपने काफी लो मीडियम पे पढ़ाया, आपने काफी लो लेवल पे पढ़ाया। मैं उन बच्चों के लिए पढ़ाने जा रहा हूं जो अभी 2021 में बोर्ड अपीयर करने वाले हैं, बोर्ड बेसिस पर है। और तो और थोड़ा सा कुछ कुछ कंपटीशन एग्जाम, कॉम्पिटेटिव लेवल के जो एग्जाम्स हैं, जैसे हम लोग कुछ कुछ जनरल कॉम्पिटिशन के बारे में बात करें जिनमें बायोलॉजी के कुछ कुछ जनरल क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए भी हमारा ये टॉपिक या फिर हमारा ये वीडियो एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज फिर से बता दें आपको, ये कोई एनटीएससी या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये स्टैंडर्ड हमने सेट नहीं किया है। उसके लिए फर्दर में वीडियो बनाएंगे, आगे और डिस्कशन करेंगे, उनके लिए और थोड़ा ज्यादा समय चाहिए। लेकिन अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सीबीएसई स्टूडेंट जो अपियर करने, जो अभी अपियरिंग है, जो अभी 10th के एग्जाम अभी देने वाले हैं। बस यही बोलना था और बाकी हम लोग टॉपिक पर आते, ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जैसा कि हम लोग पता है ह्यूमन बीइंग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। सर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी तो बहुत सारे आपने बताया सर सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, आपने बताया सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सर कौन से न्यूट्रिशन,
ह्यूमन बींग फॉलो करता है, तो आपको भी पहले से पता है होलोजोइक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ह्यूमन बींग परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म होलोजोइक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इनमें हेटरोट्रॉफिक होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करने के लिए इनमें एक स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑर्गन, आपने बचपन में भी पढ़ा है ग्रुप ऑफ ऑर्गन को हम लोग कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, उसी प्रकार से डाइजेशन करने के लिए, न्यूट्रिशन करने के लिए सीरीज ऑफ ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं जिनका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में ये डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, लेकिन आपको ये बात बताते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम लोग ह्यूमन बींग के अंदर के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज वेल एज काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड है, ताकि वो अच्छी तरह से डाइजेशन परफॉर्म कर पाए, कोई परेशानी ना हो। तो ह्यूमन बींग के जो डाइजेशन करने वाले जो सिस्टम है उनको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और सेकेंड पॉइंट कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है स्पेशली फॉर द ह्यूमन बींग इज मोस्ट डेवलप्ड एंड कॉम्प्लेक्स, तो हम लोग लिखेंगे वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। और जाहिर सी बात है कि वेल डेवलप्ड जब ये डाइजेस्टिव सिस्टम होगा तो वो सारे पांचों मैकेनिज्म जो है न्यूट्रिशन के परफॉर्म कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर, आपको याद होगा फिर से हम लोग याद दिला देते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंजेशन, इंजेशन के बाद क्या था डाइजेशन, डाइजेशन के बाद था एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद था एसिमिलेशन और एसिमिलेशन के बाद में इजेशन। ठीक है, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या क्या था इंजेशन, डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन, एंड द लास्ट वन इज एंड इजेशन। रिवीजन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी भैया आपको पढ़ा रहे, जितने भी महान महान टीचर, हम अपने आप को महान नहीं समझते हैं ना ही बोलते हैं, लेकिन हमारे से भी काफी बहुत महान महान टीचर हैं। आप कहीं भी पढ़ लीजिए, अगर आप रिवीजन नहीं करके आ रहे ना पहले का, तो फिर ये पढ़ाई सिर्फ एक मोटिवेशन की ही तरह लगेगा, आपके दिमाग में कुछ नहीं जा पाएगा। तो एक रिक्वेस्ट है विद माई फोल्डेड हैंड कि आपको रिवीजन करके ही क्लास ज्वाइन करना है, न्यू वीडियो आए तो सिर्फ देख लेना नहीं है भाई, आपको कॉपी किताब लेकर के नोट करना है। ये पढ़ाई के बीच में आपको हम एक रास्ता भी दिखा रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं पढ़ने का, बेस्ट वे है, तो प्लीज इस बात को आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बींग ये सारी चीज है, जैसे अगर देखा जाए तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बींग, तो डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, और ये सारे प्रोसेस परफॉर्म कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम दो प्रकार का डाइजेशन परफॉर्म करता है, दो प्रकार से डाइजेशन परफॉर्म करते हैं, बेसिकली डाइजेशन फूड का होगा, तो फूड को ये दो तरीके से डाइजेशन, हमारे इंटरनल डाइजेशन, बहुत सारे में एक्सटर्नल डाइजेशन भी होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक्सटर्नल डाइजेशन भी करते हैं, जैसे सैप्रोफाइट्स, वो एक्सटर्नल डाइजेशन उनमें होता है, हम लोग ह्यूमन बींग इंटरनल डाइजेशन होता है। तो ह्यूमन बींग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमन बींग जो है डाइजेशन दो प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से डाइजेशन करते हैं, फिर से बता रहे हैं, दो प्रकार से ये डाइजेशन होता है ह्यूमन बींग का, बताते हैं कौन कौन। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन, एंड द सेकेंड वन इज केमिकल डाइजेशन। अब ये है कि आपको समझना है कि सर डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम दो प्रकार का डाइजेशन परफॉर्म किया हमने अभी बताया, और वो दो प्रकार के कौन कौन है, फर्स्ट वन इज मैकेनिकल डाइजेशन एंड सेकंड वन इज केमिकल डाइजेशन। आखिर है क्या ये, मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब वो होता है जब भी हमारे फूड हमारे बॉडी के अंदर अगर आया
तो उसको आप फिजिकली रूप से आप उसको क्या करेंगे, जो बड़े अगर मॉलिक्यूल्स उसके काफी बड़े हैं तो उनको आप छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दीजिए। बस सिंपल सी बात है, मैकेनिकल डाइजेशन मतलब वही होता है कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जो फूड के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, अगर उनको फिजिकली रूप से उनको मार करके पीट करके अगर छोटे छोटे टुकड़े में अगर तोड़ दिया जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन क्या होता है, अगर उसको उसका केमिकल चेंज कर दिया जाए, एज फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर लिख देते हैं आपके लिए अच्छा होगा, मैकेनिकल का मतलब क्या हो गया, लार्जर से स्मॉलर बनाना, लार्जर मॉलिक्यूल को क्या बनाना, लार्जर टू स्मॉलर। केमिकल का मतलब क्या हुआ, आपको बताया है कि हम लोग जो भी फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, मोस्ट ऑफ द फूड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, लेकिन हमारे बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको चेंज कर देना किस फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में। तो जब कॉम्प्लेक्स का मतलब आपको ये बताया था कि इनसॉल्युबल होता है और सिंपल का मतलब होता है सॉल्युबल, ताकि वो उसको आसानी से हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर सके। तो केमिकल का मतलब यह हो गया कि जो भी फूड हमारे पास आया वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा और उसको बदल देना है भाई सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में। तो केमिकल डाइजेशन में हमारा बॉडी क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को चेंज कर देगा किसमें, सिंपल फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। कॉम्प्लेक्स के नीचे हम लोग लिख सकते हैं इनसॉल्युबल और सिंपल का मतलब हो गया सॉल्युबल, सॉल्युबल एब्जॉर्ब फॉर्म, द फूड That can be absorbed easily in our blood. तभी तो सभी जगह पर assimilate हो पाएगा, तभी तो हमारे सारे tissue उनको absorb कर पाएंगे। अगर insoluble ही रहे तो हमारा absorption नहीं हो पाएगा, blood में घुल नहीं पाएगा, blood में घुल नहीं पाएगा तो जहां जहां तक पहुंचना है वहां वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने कुछ अभी डिस्कशन किया, एक बेसिक ह्यूमन डाइजेशन के बारे में इंट्रोडक्शन है, आप बस ये मानकर चलिए। धीरे धीरे करके हम लोग सारे लेवल को क्लियर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दो प्रकार का, फिर से हम बता रहे हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम दो प्रकार के डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल डाइजेशन एंड द सेकेंड वन इज केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल बना दिया जाता है और केमिकल मॉलिक्यूल को केमिकल डाइजेशन में इनसॉल्युबल सब्सटेंस को सॉल्युबल सब्सटेंस बना दिया जाता है, फूड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये सारा चीज आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेशन है वो कंटिन्यूअस है, अगर बात करें हम लोग तो माउथ से, जी हाँ, हम लोग खाना माउथ से डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, एंट्री करवाते हैं फूड को। ठीक है, और ये जो खाना जो जाता है जिस नली में जाता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। एक्चुअली 11th क्लास में एक चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, काफी लास्ट यूनिट है 11th क्लास का, थोड़े तो ज्यादा इंटरेस्ट रखना चाहते हैं तो 11th क्लास का बुक को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमारे 10th क्लास के सीबीएसई स्टूडेंट के लिए ये पढ़ाई काफी है। तो जैसे ही हम लोग खाना अंदर डाले, माउथ से अंदर डालते हैं, बचपन में हम लोग को सिखाया जाता है कि खाना, या बच्चा खुद ही सीख कर आता भाई, जो भी खाना है वो माउथ में ही, हम लोग देखते हैं कि अंगूठा भी वो लोग माउथ से ही सक करना स्टार्ट कर देता है या कोई भी चीज तो माउथ से ही खाना खाता है। तो माउथ से हमारा डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और ये एक पतला सा नली है, ये एक पतला सा नली है, नैरो ट्यूब है ये, और यही ट्यूब जो डाइजेस्टिव डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये जो नैरो ट्यूब रहा उसी को कहते हैं हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक, या फिर हम लोग उसको कह सकते हैं एलिमेंट्री कनाल। आइए हम लोग इसके बारे में भी नोट डाउन कर लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ह्यूमन बींग का, डीएस, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट पॉइंट चलिए हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज कंटिन्यूअस ट्यूब लाइक कैनाल, ट्यूब लाइक कैनाल जिसको हम लोगों ने अभी क्या कहा, एलिमेंट्री कैनाल, इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल।
या फिर इसका एक और नाम है, और वी कैन से दैट डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक एक और बात आपको इंटरेस्टिंग बता दें, जब भी ह्यूमन बींग के बारे में बात करते हैं हम लोग तो एक अलग सा इंटरेस्ट आ जाता है स्टूडेंट के भी मन में, आप लोगों के भी मन में, और खास तौर पे मेरे भी दिल में एक अलग सा इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है जब भी हम लोग ह्यूमन बींग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक वो क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जहां से फूड पास होता है, वेयर फूड पास, जहां से फूड ट्रेवल होता है। ठीक है, और अगर नेक्स्ट बात अगर हम लोग करें तो सिर्फ एलिमेंट्री कनाल ही नहीं है, हाँ मानते हैं एलिमेंट्री कनाल जो है मेन रोल प्ले करता है ह्यूमन डाइजेशन में, लेकिन उनके साथ साथ में कुछ कुछ सहयोगी पार्टनर भी हैं। जी हाँ, पढ़ाई आप ही को करना है लेकिन सहयोग हम जैसे आपके लिए टीचर सहयोग करते रहेंगे, उसी प्रकार से एलिमेंट्री कनाल के ही अंदर डाइजेशन होना है, लेकिन कुछ कुछ जो सहयोग करने वाले हैं उनको कहा जाता है एसोसिएटेड, उनसे संबंधित, और कुछ कुछ ऐसे एसोसिएटेड ऑर्गन भी हैं। तो एक एलिमेंट्री कनाल इनका पार्ट हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का, सेकेंड जो इनके पार्ट है एलिमेंट्री कनाल उनको हम लोग कहते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स का या ऑर्गन नहीं, ऑर्गन्स, एसोसिएटेड ऑर्गन्स कहना ज्यादा अच्छा होगा, एसोसिएटेड ऑर्गन्स है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के भी अगर देखा जाए तो डीएस जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके भी दो पार्ट हो गए, एक हो गया एसी, एसी का काफी जरूरत महसूस हो रहा है, काफी ज्यादा गर्मी भी है, एसी का मतलब एयर कंडीशनर नहीं, एसी का मतलब एलिमेंट्री कनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक, और दूसरा हो गया एसोसिएटेड ऑर्गन। ध्यान से सुनना है, एसी शॉर्ट में लिख रहा है समय बचाने के लिए, एसोसिएटेड सॉरी एलिमेंट्री कनाल और इसको एसोसिएटेड ऑर्गन। एलिमेंट्री कनाल अगर देखा जाए तो एलिमेंट्री कनाल के जो लेंथ है काफी लंबा है भाई, काफी लंबा, एलिमेंट्री कनाल के जो लेंथ है, बहुत सारे बुक में अलग अलग इंफॉर्मेशन है लेकिन हम आपको एवरेज बता दें तो 6 से लेकर 9 मीटर लॉन्ग है, 6 से लेकर 9 मीटर लॉन्ग हमारा एलिमेंट्री कनाल है। अब आपके जहन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर 9 मीटर तो हम भी लंबे नहीं है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना लंबा कैसे हो गया? भाई ये क्वाइल रूप में है। अब मॉर्टिन देखते हैं जो मच्छर भगाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हम कोई स्पेसिफिक ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहे हैं, बस एक एग्जाम्पल बता रहे हैं जो मेरे माइंड में आ रहा है। तो वो क्वाइल फॉर्म में होता है, एक धागा थ्रेड क्वाइल फॉर्म में हम लोग खरीदते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा वो भी क्या है, लॉन्ग है, क्वाइल्ड फॉर्म में है, क्वाइल्ड है, लॉन्ग एंड इन क्वाइल्ड फॉर्म, क्वाइल्ड है, मुड़ा हुआ है। तो 9 मीटर आराम से हमारा हमारे बॉडी के अंदर ये फिक्स हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है। और एसोसिएटेड ऑर्गन के बारे में और हम लोग कुछ कुछ पढ़ते हैं, आप ये जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, बोर्ड काफी छोटा है, काफी परेशानी होती है लेकिन ये ऑनलाइन स्टडी में इतना भी अवेलेबल हो जा रहा है, इतना काफी है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग कहां से हो रहा है इनका, ये स्टार्ट कहां से करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड एंडिंग कहां से हो रहा है, एट द एनस, बायोलॉजी पढ़ने वाले कभी शर्माते नहीं है, एनएस को हम लोग इंडिया गेट भी कहते हैं, जहां से हमारा अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाए, जो हमारे फूड बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, उनका ये रास्ता है, एग्जिट पॉइंट है, एंट्री पॉइंट इज माउथ एंड एग्जिट पॉइंट इज एनएस। तो माउथ से लेकर एनएस तक जिस प्रकार से हमारा इंडिया जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, उसी तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम भी माउथ से लेकर के ये एनएस तक है, इसको हम लोग जम्मू एंड कश्मीर कह सकते हैं और एनएस को हम लोग कन्याकुमारी कह सकते हैं बस। लेकिन इनके बीच में
जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत सारे सिटी आते हैं, बहुत सारे टाउन आते हैं। उसी प्रकार से हमारे माउंट से लेकर एनएस तक फूड को जाने के लिए बहुत सारे ऑर्गन से गुजरना पड़ता है, जो कि खुद एक डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है। तो वो कौन कौन से ऑर्गन है, तो किन किन से होकर वो गुजरते हैं, तो इंडिकेटर एनएस हो गया, थ्रू कहां से गुजरते हैं, थ्रू माउथ आया, माउथ के बाद इसको हम लोग कहते हैं फैरिंग्स, माउथ थ्रू फैरिंग्स। फैरिंग्स के बाद आएगा हमारा ओसोफैगस, लॉन्ग ट्यूब है, नली है। ओसोफैगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद आपके आएंगे दो स्मॉल एंड, बड़ा भाई और छोटा भाई, स्मॉल छोटा भाई एंड बड़ा भाई इंटेस्टाइन, तब जाकर के ये एनएस आ जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से आए रास्ते में, कौन कौन से स्टेशन पड़े, फैरिंग्स आ गए, ओसोफैगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज वेरी क्लियर, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की ये ट्रैक है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, यही एलिमेंट्री कनाल है जो सारे ऑर्गन से मिलकर के बने हैं। ये एक ऊपर ऊपर आपको सिर्फ हम बता रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ये तो सर मेन ऑर्गन हो गए, मेन डाइजेस्टिव ट्रैक हो गए, एसोसिएटेड और एसोसिएटेड ऑर्गन कौन कौन से हैं, एसोसिएटेड ऑर्गन, एसोसिएटेड एसोसिएटेड या फिर आप कह सकते हैं और एसेसरी, एसेसरी ऑर्गन्स किसके लिए भाई, डाइजेशन, फॉर डाइजेशन, किनके साथ है, विथ एलिमेंट्री कनाल, विथ एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल के साथ है, विथ एलिमेंट्री कनाल कौन कौन से हैं जानना जरूरी है, विथ एलिमेंट्री कनाल आर, एक एक कर जानते हैं। सबसे पहला हम लोग रखते हैं टीथ को, फिर उसके बाद टंग, फिर उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड पढ़ेंगे, ये तीनों जो है ना, ये थ्री जो आपके एसेसरी ऑर्गन हो गए, ये एक्चुअली हमारे बक्कल कैविटी, बताएंगे आगे में जब हम लोग डिटेल में जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जानेंगे, ये अंदर में जैसे खाना जाता है तो अंदर में एक घर है, एक चेम्बर है, एक हॉलो कैविटी है, खाली जगह है, उसी को हम लोग कहते हैं जहां से बक बक करते हैं, जो हम भी बोल रहे हैं वो एक्चुअली में बक्कल कैविटी की ही मदद से बोल पा रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बक्कल कैविटी, बक बक करने वाला खाली जगह है, इसलिए इसको नाम रखा गया बक्कल कैविटी। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड के बाद और कौन कौन से एसेसरी ऑर्गन है, एसेसरी ऑर्गन कौन कौन से है सर, तो उनके बाद आपके आ गए लिवर, पैनक्रियास। लिवर के बारे में आपको बताते हैं, लिवर जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है, आप सभी जानते होंगे करंट अफेयर या फिर कह सकते हैं जनरल नॉलेज, ये लिवर जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है, और कहां पर प्रेजेंट है, वेयर डज इट लोकेटेड, इट इज लोकेटेड, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, और ये राइट साइड जो हमारा लंग्स है, अगर रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़ेंगे लंग्स के रिब्स के, लंग्स के जस्ट नीचे राइट साइड में ही ये एल शेप का लीवर है, यहां पर बिल्कुल एल शेप का लीवर है, एल शेप का राइट साइड, याद रखिएगा राइट साइड, एल से लीवर तो लेफ्ट साइड में नहीं होगा बल्कि राइट साइड में ही होगा, तो राइट साइड बिलो द रिब केज, रिब केज के बिल्कुल अंदर है, लोअर साइड में है, अंदर में है, प्रोटेक्टेड है, बचपन में आप पढ़े होंगे फाइव क्लास में
कि रिब के किस किस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, तो लंग्स हार्ट एंड लीवर ऑल्सो। तो राइट रिब्स के पास प्रेजेंट है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के बारे में बोले तो स्टमक के जस्ट पीछे, बिहाइंड द स्टमक, और अपर एब्डोमेन, स्टमक है इस तरीके से। तो आप देखिए ज्यादा अच्छा रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आप एक बार इंटरनेट की मदद से, या एनसीईआरटी बुक में होगा ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, तो आप पहले कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिए डायग्राम बनाकर, कम से कम तो 1 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करना ही है ताकि सारे ऑर्गन आपके रिवाइज हो जाए, कौन सा ऑर्गन कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहाइंड द स्टमक अपर एब्डोमेन रीजन में, अपर एब्डोमेन स्टमक के बिल्कुल पीछे, अभी हम देख लीजिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि जो खाना हम लोग जो खाते हैं सर, अभी इंट्रोडक्शन के तौर पे सिर्फ हम लोग सारी बात जान रहे हैं, जो खाना जो हम लोग खाते हैं सर उसका पाथवे क्या है, वो खाना ट्रैवल कहां कहां सर होकर गुजरती है। मान लीजिए अगर एक ट्रेन है, ऐसी जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है, एक ट्रेन जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक चलती है, लॉन्गेस्ट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट फूड ट्रेन इन इंडिया है वो ट्रेन, तो वो जो ट्रेन है वो किस किस स्टेशन से होकर गुजरती है, उनके पाथवे क्या है, चलने के रास्ते उनके क्या है, उसी प्रकार से हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के भी जो रास्ता, जो फूड कहां कहां से होकर गुजर रहा है उसके रास्ते क्या है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पाथवे ऑफ फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक, एक छोटा सा और बात आपको बता दें कि फूड जब भी ट्रैवल करेगा तो एलिमेंट्री कैनाल से ही होकर जाएगा, कभी भी एसोसिएटेड ग्लैंड में नहीं जाने वाला है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हुए देखें, सर लीवर तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है, तो ये लीवर क्यों नहीं जाता है, ये लीवर में क्यों नहीं कोई फूड आता है। भाई तो वो लीवर में फूड नहीं आएगा क्योंकि वो एसोसिएटेड पार्ट है, एसेसरी पार्ट है, वो वहां नहीं जाएंगे, वो सिर्फ हेल्प करते हैं, बताएंगे डिटेल में जब जानेंगे तब। बस सिर्फ आपको याद रखना है कि डाइजेस्टिव ट्रैक में ही फूड जाएंगे, एसेसरी पार्ट में नहीं जाएंगे। और एक और इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे लास्ट में कि डाइजेस्टिव ट्रैक को अभी जान लीजिए, डाइजेस्टिव ट्रैक को हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, सिंपल। तो कहां कहां से स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट बिगिनिंग फ्रॉम माउथ, माउथ के बाद कहां जाएगा, तो माउथ के बाद ओएसोफेगस, खाना जो हम लोग खाए माउथ में, फिर माउथ के बाद ये ओएसोफेगस के बाद यहां लॉन्ग ट्यूब है, इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, फिर स्टमक में आ जाएगा, स्टमक के बाद खाना रेस्ट करने के बाद, स्टमक में रेस्ट करने के बाद वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, आपको एक बात बता दें हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के जैसे बहुत सारे ऑर्गन हैं, हमारे स्कूल में भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, सारे स्टूडेंट में एक सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है जिसको क्लास कैप्टन या क्लास मॉनिटर कहते हैं, उसी प्रकार से ये सारे ऑर्गन में से जो क्लास यानी कि ऑर्गन कैप्टन है, जो ऑर्गन के मॉनिटर है, जो मेन ऑर्गन है, वो यही स्मॉल इंटेस्टाइन है।
और स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कहते हैं, बताएंगे आगे डिटेल में। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम है स्मॉल, लेकिन है भैया डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा पार्ट। हम लोग अभी चर्चा किए कि डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको याद होगा लेंथ कितना है, तो 9 है, 9 मीटर, 6 to 9 meter लेंथ है, 9 मीटर मान के चलते हैं, बहुत सारे लोग 9 मीटर लिखते हैं। 9 मीटर में बहुत बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि 9 मीटर में अकेला अकेला ये बेचारा स्मॉल इंटेस्टाइन कितना लंबा है गेस कीजिए। हम हिंट देते हैं थोड़ा, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम का जो कैप्टन कूल के पीछे जो नंबर लिखा रहता है, यस इट इज राइट, इट्स नंबर 7, नंबर 7 एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी के पीछे नंबर 7 लिखा होता है। वैसा ही आपको याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का विधेयक भैया 7 मीटर है। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये डाइजेस्टिव ट्रैक तो हमारा 9 मीटर का हुआ, अगर डाइजेस्टिव ट्रैक अगर 9 मीटर का है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ भैया 7 मीटर का है, फिर भी इसको नाम के आगे हम लोग लगा रहे हैं स्मॉल, क्यों सर? आइए इसका भी हम लोग रहस्य का खुलासा कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन कितना मीटर हो गया, 7 मीटर लॉन्ग है। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ऐसा बोलते हैं कि इंसान के मरने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ आधा से और बढ़ जाता है, यानी 3.5 मीटर मरने के बाद 10.5 मीटर का हो जाता है। पता नहीं भाई, आप लोग सर्च कीजिए, क्यूरियोसिटी जनरेट कर रहे हैं आपके मन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर लंबा है, इसके भी 3 पार्ट हैं। समय काफी ज्यादा हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इतने लंबे होने के बाद भी इनके 3 पार्ट हैं। एक को हम लोग कहते हैं ड्यूओडेनम, सेकेंड वाले को हम लोग कहते हैं जेजेनम, लास्ट वाले कहते हैं ईलियम, याद रखिएगा। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद खाना आता है बड़े भाई के पास, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी कुछ कुछ पार्ट हैं, बेसिकली इनके बहुत सारे पार्ट हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, जैसे सीकम। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में याद करेंगे, अपेंडिक्स। कोलोन, रेक्टम, कोलोन भी 4 प्रकार के हैं, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। और लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो पाथवे है वो जो अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाता है जिसको एनस कहते हैं। स्टार्ट कहां से हुआ, माउथ से, एंड कहां पर हुआ, एनस से। ये सारे डाइजेस्टिव ट्रैक के जो पार्ट आए हैं और डिटेल में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, और ये सब पार्ट डिटेल में जब हम लोग पढ़ेंगे ये सारे चीज को याद रखने के लिए ट्रिक भी बताया जाएगा ताकि आप आसानी से मेमोराइज कर सके। फिर से बता दें ये लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के भी बेसिकली 4 पार्ट है, एक सीकम, अपेंडिक्स, आपको सुने होंगे बहुत सारे लोग का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, यही अपेंडिक्स हटा दिया जाता है, एक कोलोन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कोलोन, और ये रेक्टम, स्टार्टिंग फ्रॉम सीकम, अपेंडिक्स, कोलोन, रेक्टम। कोलोन के भी 4 पार्ट है, 4 सेक्शन है, पहले एनसीईआरटी में यही 3 सेक्शन देते थे लेकिन अब एक और सेक्शन को बढ़ा दिया गया है। कौन कौन से, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और थोड़ा सा कर्व होगा सिग्मोइड कोलोन, यही। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, लास्ट में एनएस इज द इंडिया गेट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां से फूड जो है वो बाहर चला जाता है, थ्रोन आउट हो जाता है, इजेस्टेड, इजेशन प्रोसेस को परफॉर्म करता है हमारा एनएस। होप सो ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखना है,
देखना है, समझना है, बार बार इस वीडियो को देखिए। और हाँ, स्पेशली फॉर क्लास 10th, जब भी आप इस वीडियो को देखें तो एक कॉपी और पेन लेकर ही बैठें, ताकि वीडियो को आप पॉज कर आप नोट्स तैयार कर सके। बेस्ट विशेस, माई बेस्ट विशेस ऑलवेज विद यू, और हमेशा पढ़ाई के लिए इंटरेस्टेड रहिए। हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट कर दिया है, आपके तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग को बिल्कुल हिचकना नहीं है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे माउथ के बारे में, बक्कल कैविटी के बारे में। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।